प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अमेठी में एमएलसी दीपक सिंह का बड़ा बयान, जीएसटी को बताए गब्बर सिंह टैक्स। लखनऊ में पूर्व कर्मचारी के नाम सड़क का नामकरण, नगर निगम कर्मचारी संघ ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा का हुआ स्वागत, भारत जोड़ो यात्रा का बताया गया उद्देश्य। गाजियाबाद में कैदियों को हुनरमंद बनाने की कवायद, कैदी मिट्टी के बर्तनों को देते हैं आकार। रायबरेली में युवती ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप, युवक ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रतापगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व सीएलपी नेता आराधना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारी हुजूम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की अगुवाई में ये भारत जोड़ो यात्रा देश के संवैधानिक मूल्यों को बचाने तथा लोगों के मौलिक अधिकारों की संरक्षा के भी संकल्प भी सफल यात्रा है। सदर विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने यात्रियों का स्वागत कर तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष इरफान अली ने आभार जताया। नमन करता हूं और अभी शंकराचार्य बने हमारे अनुष्ठान जी उनकी धरती है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर से प्रतापगढ़ के लोग बहुत ही समझदार और अच्छे लोग हैं। प्रतापगढ़ की धरती हमेशा से संदेश देती रही है कि यहाँ गलत लोग जो तोड़ने की राजनीति करने वाले हैं, वहाँ इनकी दाल यहाँ नहीं गलती। ये कांग्रेस की धरती रही है, कांग्रेस के लोग यहाँ मजबूत रहे। प्रमोद तिवारी जी से लेकर उनकी लड़की, सभी लोग मजबूत हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी। प्रमोद, यहाँ जो प्रतापगढ़ में जो आज पूरी तरीके से यहाँ के लोगों ने स्वागत अभिनंदन कर किया। अमेठी प्रादेशिक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमएलसी दीपक सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जीएसटी का पूरा नाम गब्बर सिंह टैक्स बताया है और कहा कि इसे देख दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग रहा है। सरकार की नजर में व्यापारी मतलब चोर। वही दीपक सिंह ने बताया कि हमारी यात्रा को किसान युवा बेरोजगार का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा राहुल गांधी को मजबूती देने के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा इलाहाबाद से प्रारंभ हुई थी और बनारस में खत्म होगी। उद्योगपतियों की प्रताड़ना के पीछे सरकार अपने चेहरे चमकाना चाहती है। विज्ञापन जो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग लगवाना चाहती है। टोटल बजट का 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में शराब और जीएसटी से आता है, और वो जीएसटी जिसे अध्यक्ष जी गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं, जो राहुल जी कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, वो गब्बर सिंह टैक्स एक्चुअली वैसे है जैसे गब्बर सिंह की फिल्म में गब्बर सिंह अनाज की वसूली करने आता था कमाई के हिस्से से, वैसे व्यापारियों के कमाई के हिस्से से अधिकांश पैसा विभिन्न माध्यमों से उसको डिफिकल्ट टफ टफ करके उसे कई रास्तों से कठिन करके सरकार वसूलना चाहती है, और उसमें भी अधिकारियों के लिए स्पेस। रायबरेली में नसीराबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलून जायस मार्ग पर ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। नसीराबाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि ट्रक और ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ लिया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आते ही पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। खबर रायबरेली से है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र में युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर 3 साल दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। थाने से न्याय न मिलने पर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हमने
बना है, बोल रहे हैं शादी करेंगे तुमसे, और हमारी मतलब फिर हमको लेके गए वहाँ खेत, रात भर राखिन हमारे साथ गलत काम किया है, और जब हमारे पापा पता पाए तो थाने गए तो वहाँ सुला सुलाई कर लिया है, और यहाँ कोर्ट मैरिज करा लिया रायबरेली में, और फिर हम फिकेन सूख बूढ़ा आवे और सूख उग गई तो तुमको विदा करा ले जाएंगे। जब सूख उग गया हमारे पापा लोग गए वहाँ, हम भी गए तो वहाँ मारने पीटने लगे, बोल रहे जो मर्जी हो जो कर लो जाके, हम शादी नहीं करेंगे। थाना क्षेत्र से हैं, सेउठी गांव से, और हमारी समस्या है हमारी लड़की के साथ 3 साल से दुष्कर्म कर रहे हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके कहते हैं कि जो है कि हम एक ही जात के, हम आपसे शादी कर लेंगे, और 3 साल तक इससे इसके साथ शोषण किया। जब हम लोगों को पता चला तो इसको डांटे फटकारे मारे भी, और एक रात दीपावली के दिन फिर क्या किए लोगों ने, दीपावली के दिन घर से भाग लिए, फिर वहाँ पकड़ा तो फिर वो यहाँ घर आई तो शादी वादी के लिए फिर वहाँ हरचनपुर गए, वहाँ थाने में सब लोग कहे कि इनसे जो है कि शादी करवा दी जाए, शादी वादी करवा दी, कोर्ट मैरिज करवा दी, अब जब सब कुछ हो गया तो कहे सुकवा बूढ़ा। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया चौराहे से सेक्टर एच को जाने वाली रोड अब नए नाम से जानी जाएगी। यहां पुरनिया चौराहे से सेक्टर एच को जोड़ने वाली रोड का नामकरण महापौर संयुक्ता भाटिया और युवा नेता नीरज सिंह की उपस्थिति में हुआ। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि सड़क का नामकरण पूर्व नगर निगम कर्मचारी के कर्मठ नेता कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह के नाम से जानी जाएगी। बड़ा ही सूक्ष्म वक्तव्य रखूंगा, कॉमरेड राम नरेश जी के स्मृति में यह रोड का जो नामकरण उनके नाम से हुआ, मैं उसके लिए यहां पर उपस्थित हमारी महापौर संयुक्ता भाटिया जी, अंबे बिश जी, और यहां पर उपस्थित मैं कहूंगा कि शहर के रक्त धमनियों में रक्त का संचार करने वाले आप सभी कर्मचारी संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कर्मचारी संघ की शुरुआत करने वाले, कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने की प्रथम कड़ी हमारे कामरेड स्वर्गीय राम नरेश जी, जो जिन्होंने नगर निगम और स्थानीय निकाय में संगठन के का निर्माण किया, उनकी और नगर निगम के कर्मचारियों की ये मांग थी। नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ की निरंतर ये 2 साल से मांग माननीय महापौर जी से चल रही थी कि कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह का जो निवास स्थान है, उस स्थान की रोड का नामकरण कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह जी किया जाए। तब से मैं महापौर बनी हूँ तब से लगातार मेरे पास ऐसे सड़कों के और चौराहों के नाम जिनका कोई नामकरण नहीं था, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको ऐसे नामों से नाम दिया जाए उनको जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया हो। विशेष रूप से उन्होंने सैनिकों की विशेष चिंता की है कि जिन सैनिकों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निर्वहन किया, उनके नाम से सड़क, उनके नाम से गली, उनके नाम से चौराहा, या फिर समाज में ऐसा व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया हो, तो राम नरेश जी ने समाज के लिए कार्य किया। यूनियन नेता होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनके नाम से नामकरण करने का नाम का प्रस्ताव आया यूनियन के द्वारा, और उसे हमारे सर्वसम्मति से पास हमारे कार्यकारिणी ने। गाजियाबाद में कैदियों को हुनरमंद बनाने की कवायद की जा रही है। जिला कारागार के जेल अधीक्षक आलोक सिंह द्वारा कैदियों को प्रशिक्षण मुहैया कराकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। जेल में मौजूद 2 दर्जन से अधिक कैदी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जबकि अन्य कैदी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को अभी सीख रहे हैं। जेल में ही बिजली से चलने वाला चाक मौजूद है, जहां पर कैदी मिट्टी के बर्तनों को आकार देते हैं। आलोक सिंह बताते हैं, जब भी कोई कैदी किसी काम में खुद को व्यस्त रखता है और कुछ सीखता है, तब उस कैदी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। हुनरमंद बनने के बाद कैदी का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए, हम लोगों ने इसको अभी 2 महीने पहले मिट्टी के बर्तन बनवाने का कार्य शुरू करवाया है, और अभी दीपावली बीती है, दीपावली में बंदियों ने दिए भी काफ़ी बनाए हैं और जो बाहर पब्लिक को भी उपलब्ध कराए गए, और जेल की भी सजावट या रोशनी के लिए उसका प्रयोग किया गया, और क्योंकि अब दीपावली का काम अब फिलहाल ख़त्म हो गया है और बाकी कुल्हड़ वगैरह बंदी बना रहे हैं और बर्तन बना रहे हैं,
कुल्हड़ वगैरह का प्रयोग जो यहाँ बंदी कैंटीन है उसमें चाय के लिए उपयोग किया जा रहा है, पहले डिस्पोजेबल यूज़ हुआ करता था जो कि स्वास्थ्य के लिए इतना लाभप्रद नहीं था। अब और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, कैदियों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया जा रहा है। देखिए नंदनी, आपको बता दूं डासना जेल की अगर बात करें तो डासना जेल में लगातार ऐसे जो बंदी बंद हैं फिलहाल जो कार्य करने के इच्छुक रहते हैं, जैसे कोई नए बंदी आए हैं या जो पुराने बंदी वहां बंद हैं और जिनको कार्य करना पसंद होता है जैसे कि मिट्टी के बर्तन या जो भी उनके अंदर हुनर है या जो अन्य है जो इच्छुक है उनको काम सिखाया जाता है। जैसे कि ये बर्तन बनाए जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन, ये अगर बल्क में बनते हैं तो ये बाजार में बाहर भी दिए जाएंगे, अन्यथा अभी फिलहाल के जो बर्तन बन रहे हैं ये खाली जेल में ही। जैसे कि प्लास्टिक बैन को लेकर एक जागरूकता अभियान चला है उसको लेकर जो आलोक सिंह जेलर है वहां पर उन्होंने खासतौर पर बताया है कि इस अभियान के तहत भी जितने भी बंदी वहां बंद हैं उनको अब कुल्हड़ में चाय मिला करेगी और साथ ही साथ जो दिए बन रहे हैं मिट्टी के वो दिए भी जलाए जाएंगे, जैसे कि जो खुले मैदान है वहां पर दिए जलाए जाएंगे। हालांकि जो दीपावली का समय था उस समय पर कई ऐसी चीजें बनाई गई थी जिसको लेकर वो बाजार में भी गई थी और कुछ जो चीजें हैं वो जेलों में भेजी गई थी कि वहां पर लाइटिंग वगैरह हो सके। इस तरह का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो बंदी है खासतौर पर जो कैदी बंद है जेल के अंदर में उनको अच्छा अनुभव मिल सके, अच्छी चीजें सीख सके और खासतौर पर वो जब वहां से छूटे बाहर निकले और अपने समाज में मिले तो कुछ अपना एक व्यवसाय कर सके और उसके जरिए कुछ अच्छा आमदनी भी कर सके। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। फिरोजाबाद में सवारियों से भरी बस डीसीएम से टकराकर बस खाई में जाकर गिरी। कई हादसे में 4 पुरुष 1 महिला बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू करके सैफई हॉस्पिटल भिजवाया और सभी मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। देखिए आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे, वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुँच गई, यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं सारी व्यवस्था वहाँ पहुँच गई और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। खबर बुलंदशहर से है जहां 15,000 के इनामी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 76 इनामी घायल हो गया। इनामी बदमाश मेरठ से डकैती में वंचित था। आरोपी पर विभिन्न क्षेत्रों में 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास एक तमंचा, एक खोखा व 2 जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद हुई और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पर गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित था। घायल जो अभियुक्त है उसे उपचार हेतु निकट के सीएससी में भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बांदा जनपद सिमौनी धाम में अवधूत जी ट्रस्ट के 3 दिवसीय भंडारा व मेले का आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी दीपा रंजन के द्वारा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया है और वहीं संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को जल्द से जल्द तैयारियों को तेजी से करने के लिए निर्देश दिया है। बता दें कि पौराणिक मोनी बाबा महोत्सव में 15 दिसम्बर से लेकर 16-17 दिसम्बर तक मेले व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 16-17 को जो यहाँ पे बेहद स्तर पर मीडिया रहा है उसकी समीक्षा बैठक की गई है। मेरे द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया है। जो व्यवस्थाएं होनी थी विभिन्न विभागों के द्वारा उसमें का जायजा लिया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए।
बांदा में धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया, जहां एक युवक ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव भी बनाया। पीड़िता लड़की ने बताया कि धर्मांतरण का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाने की पुलिस पर कार्यवाही न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पीड़ित बालिका को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पीड़िता के दोबारा बयान और पूरी घटना की जांच अन्य थाने से कराने की मांग की गई, साथ ही मेडिकल परीक्षण की भी मांग की गई। पुलिस मामले की कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ साथ बहुत गलत काम हुआ है। क्या हुआ पूरी बात बताओ। पूरी बात यही है कि हमारे एक लड़का था, मैं उससे बात करते थे, वो मुझे बहला फुसला के अपने साथ ले गया और ले जाके मेरे साथ बहुत गलत काम किया और फिर वहाँ पे बोल रहा था कि तुम मेरे साथ मुसलमान बन के रहो और मेरे से मुसलमान की तरीके शादी करो। तो मैंने कहा मैं नहीं रहूँगी। क्या धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था? हाँ। जबरदस्ती? हाँ। फिर आगे क्या? अब अगर मैं ऐसा नहीं करती तो। खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां दहेज के खातिर एक नवविवाहिता के ससुराल वालों के द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। भतीजी की कमी हो गई है। क्या नाम था? भतीजी का नाम था विभू। क्या कहना चाहेंगे? इन दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी रुपयों की लालच में। रुपये मांगते थे 10 लाख दहेज के लिए, 10 लाख कभी 20 लाख। लड़का क्या करता था? लड़का टीचर था। तो किस गांव का मामला है ये? डोली का पुरवा मुरादगंज। शादी कब हुई थी? शादी 21 जनवरी 2022। 21 जनवरी 2022 को। अब क्या मतलब अभी पुलिस को सूचना दी गई नहीं थी? हाँ, प्रथम रिपोर्ट दर्ज हो गई। क्या चाहते हैं आप? कानूनी कार्रवाई हो, दंडों को फांसी की सजा दी जाए। आपको राम राजा बदनाम। क्या हुआ? हमारी बहन बीपुरवा डोरी मुरादगंज पासू गांव है, वहाँ से उसकी शादी हमने 21 जनवरी 2022 में की थी और जो कि टीचर हैं उनके हस्बैंड, कल अचानक वहाँ से फोन आया कि क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम है नीरज परिहार। अच्छा, क्या हुआ? कल अचानक उनके पिताजी का फोन आया, मतलब हमारी बहन जी के ससुर का, कि आपके बहन जी की बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तो हम यहाँ से और निकले मुरादगंज के लिए और मुरादगंज पहुँचे थे, तभी उनका फोन आया कि अब आप सीधे घर पर आ जाइए। बांदा जनपद में स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घातक बीमारियों से सामना न करना पड़े। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जगह जगह मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया गया और दवाई भी दी गई। इस दौरान CSC परिसर में स्वास्थ्य ATM का भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिससे लोगों को सभी जाँचें मुफ्त में मिल सके और लोगों के मोबाइल में सीधा SMS भी पहुँच सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CSC अधीक्षक सहित समस्त स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। किया गया है जिसमें गांव-गांव से लोगों को बुला करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मानसिक बीमारियों के संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है और जो मरीज लग रहे हैं कि नहीं ये मानसिक बीमारियों से ग्रसित है उनका इलाज भी किया जा रहा है, उनको सलाह भी दी जा रही है। हरदोई में मल्लावा कन्नौज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर मल्लावा आ रही थी, इसी दौरान डंपर ने रोड के किनारे खड़ी ऑल्टो कार में टक्कर मार दी। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर के पास में खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को रोड के किनारे हटवाया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। मामले को लेकर कोतवाल ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। औरैया में इको गाड़ी ने सब इंस्पेक्टर की बलिनो गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधुना में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए 3 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है।
मामला सामने आया जहाँ सर्विस सेक्टर की गाड़ी और जो है एक इको गाड़ी में दोनों में भिड़ंत हुई है। कितने लोग घायल हुए, किस तरीके से? आज सायं लगभग 8 बजे एक इको गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी, वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो बिधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे, उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी जिसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें विधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें CSC लाया गया, जिसमें 3 पेशेंट लाए गए थे। किस तरीके से लाए गए थे, क्या था? अभी 6 मरीज आए हुए थे जो 2 गाड़ियों के भिड़न से हेड इंजरी वाले थे कुछ, तो उनमें से 4 को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड करके, जिसमें कुछ 3 को कानपुर रेफर किया गया है, 1 सैफई लग गए हैं। सर सैफई रेफर किए गए कौन थे? सैफई रेफर किए गए SI थे जो PS मतलब थाना बेला में पोस्टेड हैं वो थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।